मेरे पूज्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी ने कहा था कि देश में एक ऐसा चक्रवर्ती आएगा जो इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र, और नरेंद्र का अर्थ होता है नरों का इंद्र, मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती। मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, इसी सोच के मालिक हमारे देश के गौरव माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक नजीर है, एक उदाहरण है, जो विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। भगवान महावीर के उपदेश आज के युग में अत्यंत प्रासंगिक है। मैं बताना चाहूंगी बड़े गर्व और गौरव के साथ कि हमारा जैन समाज भगवान महावीर का अनुयायी है। वह भगवान महावीर की केवल पूजा ही नहीं कर रहा है, बल्कि भगवान महावीर के संदेशों को, उनके उपदेशों को आत्मसात कर रहा है। यही कारण है कि भगवान महावीर के अनुयायियों के द्वारा आज तक देश के इतिहास में ऐसा कोई कदम नहीं रखा गया जिससे देश में हिंसा की होली जली हो, आतंकवाद की समस्या को बढ़ावा मिला हो, देश की एकता और अखंडता का ग्राफ नीचा हुआ हो। मैं मानना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि देश के विकास में जैन समाज का जो योगदान है वह पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। आज का यह मंगल प्रभात, और मुझे लग रहा है भगवान महावीर ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, एका मानुषी जाय, मनुष्य जाति एक है, हर व्यक्ति का उत्थान, हर व्यक्ति का आरोहण और हर व्यक्ति का मंगल होना चाहिए। बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, इसी सोच के मालिक हमारे देश के गौरव माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक नजीर है, एक उदाहरण है, जो विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है ये केवल माननीय प्रधानमंत्री ही नहीं, एक राजर्षि के रूप में है, जिस राज में रहते हुए जो तपस्या कर रहे हैं वो आप और हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हमने देखा, अभी हम दिल्ली NCR में भ्रमण कर रहे थे और हमने G20 की जो पोस्टर पे एक टैग लाइन पढ़ी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मुझे लगता है ऐसी सोच उस व्यक्तित्व की हो सकती है जिसके दिल और दिमाग में विकास के सपने होते हैं। हम हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री जी के प्रति यह मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं कि आपके करिश्माई कर्तृत्व और प्रखर नेतृत्व से हमारे भारतवर्ष का यश गौरव मान सम्मान और अधिक शिखरों तक पहुंचे। आभार साध्वी श्री अनिमा श्री जी का। महानुभाव, मुझे खुशी है G20 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष जो भी आए उन सब को शुद्ध शाकाहार भोजन कराया। अपनी संस्कृति से आपने परिचय कराया कि हमारी भारत संस्कृति, हमारी जैन श्रमण संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति क्या कहती है। शुद्ध शाकाहार ही हमारा जीवन होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रथम चीफ जस्टिस, तीनों ही अहिंसक हैं, तीनों ही शाकाहारी हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी ने कहा था कि देश में एक ऐसा चक्रवर्ती आएगा जो इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा था, उस बात को मैंने समझा नहीं था, लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र, और नरेंद्र का अर्थ होता है नरों का इंद्र, मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती। और यही चक्रवर्ती है, और मैं पूरे विश्व से उद्देश्य से कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम के आगे चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी लगाया जाए। जैसे सरदार वल्लभ पटेल के आगे लोह पुरुष की उपमा दी गई थी, आज सारा जैन समाज नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती बोलेगा। महानुभाव,
वन नेशन वन हेल्थ की हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे नरेंद्र मोदी ने केटल हाउस चालू किया है वो सबसे बेस्ट है। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा 1962 में जो एनिमल का जो एक्ट बना हुआ था उसका संशोधन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को भेजा था 2017 में कि जो पशुओं पर अत्याचार होते हैं उन्हें छोड़ दिए जाते हैं, भूखे छोड़ दिए जाते हैं, खाने नहीं दिया जाता है, तड़पाते हैं, उनको पीड़न देते हैं, उसका संशोधन हो करके ऐसा कानून लाना चाहिए कोई भी जीव की हत्या ना कर सके, पशुओं की हत्या ना कर सके। इस विषय पर भी विचार करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग, अर्थात जिसको त्याग करने की कला आ गई उसको जीवन जीने की कला आ गई। बस मैं जो है दो लाइन बोलना चाहूँगा जो हमारे जो शब्द हैं, और सभी लोग मेरे शब्दों संकेत से समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम नहीं बोलूँगा। मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, यही समय है सही समय है त्यागो तुम परदेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, मेरी माटी मेरी माता भारत ही स्वदेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और आदिनाथ ने क्या कहा, कृषि बनो यार कृषि करो या ऋषि बनो तुम, कृषि करो या ऋषि बनो तुम, ऋषभ देव उपदेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और महावीर ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी, जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको महावीर संदेश, मेरा देव मेरा देश। और संकेत मेरे समझना, विकसित भारत शिक्षित भारत, विकसित भारत शिक्षित भारत, भारत ही सर्वेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और अभी अयोध्या में हमारे नरेंद्र मोदी ने कहा था भव्य भारत नव्य भारत, भव्य भारत नव्य भारत, बदल रहा परिवेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत। और सब लोग मेरी बात को समझिए, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मोदी का उद्देश्य, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देश। हाँ ध्यान रखिए, हाथ जोड़िए, बोलिए जैन समाज, जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। हाँ हाँ, एक बार भैया, एक बार फिर से जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। विजयी भाव विजयी भाव विजयी भाव, आशीर्वाद। बहुत बहुत आभार परम पूज्य परम्पराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज जी का।